kids, good morning. How are you all? Tell me kids, I hope you all are fine. आपने yesterday का homework finish किया? Tell me kids. Yes, very good. आपको ऐसे ही homework finish करना है, classwork हमारे साथ करना है, homework आपके parents के साथ करना है. Okay kids. Now start our class. So are you ready kids? Our today's subject is English workbook. Page number 50 and 51 में आपका classwork के half of page. Today's topic write letter R. आज का आपका topic कौन सा है? Write letter R. R for rabbit. R for rabbit. English workbook. Open book. Page number 50. आज का आपका classwork page number 50 है. The letter R. Letters meet the friends of letter R. यह half page आपका classwork है. तो first हम यहाँ पे pattern R को यहाँ पे trace करेंगे. पैटर्न स्टैंडिंग लाइन देन कर्व स्लैंटिंग लाइन आर आर फॉर रेनबो आर फॉर रैबिट आर फॉर रेनबो आर फॉर रैबिट ये हाफ पेज आपका क्लास वर्क है ओके किड्स एंड नेक्स्ट क्लास वर्क पेज नंबर 51 में है प्लीज ट्रेस एंड राइट द लेटर आर आपको यहाँ पे लेटर आर को ट्रेस करना है ना आपको यहाँ पे ओनली वन डॉट पे आर लिखना है ओके किड्स ये हाफ पेज आपका क्लास वर्क है अवर टूडेज होमवर्क पेज नंबर 50 हाफ पेज आपका होमवर्क है सर्कल ओनली द पिक्चर दैट बिगेन विथ द लेटर आर आर से जो पिक्चर स्टार्ट होता है वहां पे आपको सर्कल करना है आर फॉर रेनकोट होता है यस आर फॉर रेनकोट होता है ना आर से स्टार्ट होता है ना रेनकोट यस तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे रिंग रिंग आर से स्टार्ट होता है ना यस तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे रोज रोज आर आर से स्टार्ट होता है ना यस तो हम यहाँ पे रोज को सर्कल करेंगे मैंगो मैंगो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है यस एम से स्टार्ट होता है ना यस तो नो यहाँ पे हम सर्कल नहीं करेंगे ओके किड्स यहाँ पेज आपका होमवर्क है एंड नेक्स्ट पेज में आपका होमवर्क है 51 प्लीज ट्रेस द लेटर आर एंड कलर द रोज लेटर आर को आपको यहाँ पे ट्रेस करना है एंड रोज में आपको कलर फील करना है ओके किड्स ये हाफ पेज आपका होमवर्क है ट्रेस एंड कलर द रेन ड्रॉप विच हैव द लेटर आर जो आर लेटर है वहाँ पे आपको ट्रेस करना है एंड रेन ड्रॉप्स में आपको कलर फील करना है ओके किड्स ये आपका हाफ पेज होमवर्क है सो किड्स राइट विथ मी आपको मेरे साथ साथ यहाँ पे ट्रेस करना है रेड टू ब्लू लाइन में आपको आर फोर रैबिट आर फोर रैबिट यहाँ पे हम आर को ट्रेस करेंगे ट्रेस विथ मी स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन करेंगे स्टैंडिंग लाइन तो देन स्लैंटिंग लाइन आर आर फोर रैबिट आर फोर रैबिट आर फोर रैबिट भी होता है आर फोर रिंग भी होता है आर फोर रोज भी होता है ओके किड्स रेड टू ब्लू लाइन में आपको मेरे साथ साथ यहाँ पे ट्रेस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन कर्व स्लैंटिंग लाइन हाँ आर फोर रैबिट विच लेटर इज दिस कौन सा लेटर है ये टेल मी किड्स यस आर लेटर आर फोर रैबिट स्टैंडिंग लाइन कर्व स्लैंटिंग लाइन आर आर फोर रैबिट आर फोर रैबिट आर फोर रोज स्टैंडिंग लाइन कर्व स्लैंटिंग लाइन आर आर फोर रैबिट स्टैंडिंग लाइन कर्व स्लैंटिंग लाइन विच लेटर इज दिस कौन सा लेटर है ये टेल मी किड्स यस आर लेटर आर फोर रैबिट आर फोर रैबिट भी होता है आर फोर रोज भी होता है तो आर फोर रैबिट ओके किड्स यहाँ पे हमने ट्रेस किया है एंड यहाँ पे आपको विदाउट डाउट खुद से बनाना है रेड टू ब्लू लाइन में फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन कर्व स्लैंटिंग लाइन आर आर फोर रैबिट स्टैंडिंग लाइन कर्व स्लैंटिंग लाइन आर आर फोर रैबिट आर फोर रैबिट भी होता है आर फोर रोज भी होता है विच लेटर इज दिस कौन सा लेटर है आर
which letter is this? कौन सा letter है? Tell me kids. Yes, R letter. यहाँ पे भी आपको without dot लिखना है. Curve, slanting line. R. R for rabbit. R for rabbit. R for rose. Which letter is this? R letter. R for rose. R for rabbit. R for rabbit. R for rose. R for ring. Which letter is this? कौन सा letter है? Tell me kids. R letter. R for rabbit. आपको ये लाइन में भी विदाउट डॉट खुद से लिखना है. R. R for rabbit. Standing line. Curve. Slanting line. R. R for rabbit. R for rose. Which letter is this? कौन सा letter है? Tell me kids. Yes, R letter. R for rabbit. R for rose. R for rabbit. Okay kids, ये आपका class work है. Our today's homework English workbook page number 50 and 51. Half of page आपका homework है. Okay kids.